हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग की थर्ड राउंड की ऑफिशियल शेड्यूल आ चुकी है दोस्तों, तो चलिए उसी पे बात करते हैं पूरे डिटेल से और कितनी सीटें बाकी है उस पे भी हम बात करेंगे, किस किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली बालिक बाकी है और कितने स्कोर तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह जो है आप कर सकते हो। 4 और 5 तारीख को 2 दिन का समय दिया गया है। धरोहर धनराशि सिक्योरिटी मनी 4 से 6 तारीख तक जमा कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन है वो 5 और 6 तारीख को होगी। मेरिट लिस्ट जो है आपका 7 तारीख को आएगा और ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग जो है आप कर सकते हो 7 से 9 तारीख तक। अब अंतिम सीट एवांतन सूची जो है वो आपका 9-11 को जो है आपका आ जाएगा सीट अलॉटमेंट। शाम के समय नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 11 और 12 तारीख को दिया गया है और आवंटन पत्र डाउनलोड करने और आवंटन संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 से 14 तारीख तक दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय चक्र में काउंसलिंग का पंजीकरण नहीं कराया था वह काउंसलिंग 2024 की वेबसाइट पर पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम और द्वितीय चक्र में काउंसलिंग से सीट आवंटित नहीं हुई है वह तृतीय चक्र में काउंसलिंग हेतु अहर होंगे, उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे च्वाइस फिलिंग करना होगा। AAACCC द्वारा स्टेट काउंसलिंग के लिए घोषित इनएलिजिबल लिस्ट में तृतीय चक्र में काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जो इनएलिजिबल लिस्ट में है। तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के आयोग की वरीयता विकल्प भरना होगा, अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद प्रथम चक्र, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रथम चक्र द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी रिशफलिंग के लिए तृतीय में च्वाइस फिलिंग करके प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है अब चाहते हैं कि आपको कॉलेज चेंज करना तो थर्ड राउंड में आप तृतीय चक्र में च्वाइस फिलिंग करके प्रतिभाग कर सकते हैं। च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प न भरे अन्यथा ऐसी दशा में आपको जो पूर्व अलॉटेड सीट है वही फिर से अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको फिर से क्या होगा पुनरावंटन सीट आवंटित हो जाएगी, दशा में उसके पूर्व आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी तथा उस सीट पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किंतु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत बनी रहेगी। सीट रिशफलिंग में क्या होता है कि अगर आप सीट च्वाइस फिलिंग करते हो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो पहले वाली जो सीटें हैं वो आपकी कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम चक्र तथा द्वितीय चक्र में काउंसलिंग में उसे प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से काउंसलिंग हेतु अन आपत्ति प्रमाण पत्र जो है वो आपको लेना पड़ेगा, यानी इन्हें उसे लेना पड़ेगा। अगर प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र में आपने कोई भी कॉलेज में अलॉटमेंट ले लिया है एडमिशन ले लिया है तो आपको NOC लेकर के आपको करना पड़ेगा। तृतीय चक्र में प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के भांति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया अनुमन्य नहीं होगी, यानी कि अपग्रेडेशन प्रोसेस नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की दोस्तों, गवर्नमेंट BMS BHMS और BUMS में कोई भी सीटें खाली नहीं है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें प्राइवेट कॉलेज में अभी भी सीटें खाली है बहुत सारे कॉलेजेज में, जिसमें लगभग 10 से 12 कॉलेज है जिसमें सीटें अभी भी खाली है, तो उसमें से अच्छा कॉलेज चूज करके ले सकते हैं। जस्ट एंड क्वालिफाइड स्कोर पर आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा कन्फर्म। आपको अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, पूरा हेल्प की जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।